मध्य प्रदेश में किस प्रकार अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जब यह अनैतिक गतिविधियां जेल के अंदर ही चलने लगे तो क्या आप कहेंगे? जी हाँ, एक ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से सामने आई है, जहाँ जिला जेल में पदस्थ जेल प्रहरी रामकुमार शाके ने जेल में अनैतिक गतिविधियों का आरोप लगाया है। अर्बन कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन। चाहे कंस्ट्रक्शन हो या नक्शा, हम आपके घर को बनाएंगे सपनों का घर, वो भी उच्च गुणवत्ता और वाजिब दामों पर। तो आज ही विजिट करें। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधायक रामबाई पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिला जेल में पदस्थ जेल प्रहरी रामकुमार शाके ने जेल में अनैतिक गतिविधियों का आरोप लगाया है। पहरी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार न्यायाधीश को लिखित आवेदन दिया है। उनका कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं और दमोह जिला जेल में रामबाई के संरक्षण में अनैतिक कार्य चल रहा है। रामबाई के जेल में बंद देवर कौशलेंद्र सह उर्फ चंदू सह और कई जेल पहरी अनैतिक कार्य कर रहे हैं और जेल में शराब गांजे की सप्लाई के साथ ही वेश्यावृत्ति भी चल रही है। जेल पहरी रामकुमार शाक्य का कहना है कि मैं दमोह जिला जेल में पदस्थ हूँ। यहाँ पर पथरिया विधायक रामबाई सह परिहार के देवर चंदू सह जेल में बंद है, जहाँ उसके संरक्षण में गलत काम हो रहे हैं। जेल में गांजा, चरस, अफीम, शराब पैसे देकर उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, वेश्यावृत्ति तक हो रही है। यदि कोई विरोध करता है तो उसे परेशान किया जाता है। जहां एक दिन शाम को मैं ड्यूटी पर था, उस समय जेल में एक पेटी शराब पहुंची थी। मैंने विरोध किया तो मुझे केंद्रीय जेल भोपाल में अटैच करा दिया गया। मुझे लगा कि जेल में अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जिन्हें बंद होना चाहिए, और इसलिए मैंने अब न्यायालय की शरण ली है। मैं प्रहरी रामकुमार साक जिला जेल दमोह में 2019 से पदस्थ हूँ। मेरी ड्यूटी के दौरान मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित मुख्य प्रहरी प्रीतम एड साहब, पुष्पेंद्र चौहान, रजनी प्रजापति प्रहरी, प्रहरी आशीष तिवारी द्वारा मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे मैं अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी सामग्री इन्हीं के द्वारा पहुंचाई जाती है और महिलाओं को भी इनके द्वारा फोन इनके द्वारा किए जाते हैं, और अगर मैं अपनी ड्यूटी के दौरान कोई शिकायत करता हूं तो जो मेरे को अटैचमेंट करा दिया जाता है। विचार दीन बंदी चंदू सिंह के कहने पर ही जेल का पूरा कहना चल रहा है। शराब, दारू, महिलाएं, गांजा, चरस, सिगरेट, बीड़ी, नशेंसी पदार्थ हाल भेजा जाता है। जी श्रीमान चंदू सिंह के कहने पर जिला जेल दमोह ठेके पर ही चल रही है। उनके द्वारा ही प्रहरियों का ड्यूटी चंदू सिंह के कहने पर ही लगाया जाता है, और जो चंदू सिंह के खिलाफ जो कोई आवाज़ उठाता है उनका स्थानांतरण अन्य जेलों पर कर दिया जाता है, अटैचमेंट कर दिया जाता है। जी श्रीमान, मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ, ये राजनीतिक प्रवाह है। हम जब कोई बात को यकीन करते हैं या किसी से कहते हैं तो मेरी बात को नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका प्रभाव राजनीतिक संबंध से है, नहीं हो पाती। श्रीमान जी, जिस समय उनके आवत सामान आया जाता है या महिलाएं आती हैं, उस समय के लिए कैमरा बंद कर दिए जाते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, यह तो वक्त रहते ही पता चलेगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।